भाई डेस्क पॉइंट अच्छा नहीं हो रहा, थोड़ा बड़ा करना है, टी शर्ट पहनते हैं दिखता नहीं है, साइज कैसे बड़ा करें? तो सिंपल सा फंडा है, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अमित पंघाल, आपके पंघाल फिटनेस पे। तो आज हमारा वीडियो का टॉपिक है शोल्डर का वर्कआउट करेंगे, क्योंकि मैसेज शोल्डर के थे और आपको पता है पंघाल फिटनेस पे हाल ही में मसल बिल्डिंग की सीरीज चल रही है। तो अब वर्कआउट करते हैं, बातें कम करते हैं, ऐसे ही प्यार करते रहे। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ और पंघाल ब्लॉग्स को भी लाइक कर लें, जल्दी आपकी नई वीडियो आ रही है पंघाल ब्लॉग्स पे। और आज करते हैं हम वार्म अप हो चुका है, फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम शोल्डर पे डंबल प्रेस, 5 सेट्स करेंगे 12 रेपिटेशन। वेट थोड़ा इंक्रीज करेंगे हर रैप में, थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा। 5 सेट्स करेंगे 12 रेपिटेशन, फर्स्ट एक्सरसाइज डंबल प्रेस। फर्स्ट एक्सरसाइज करें डंबल प्रेस, बैठ के करेंगे सीटेड डंबल प्रेस करें, क्योंकि जब खड़े होकर करते हैं तो इंजरी के चांस होते हैं आपकी बैक में। कोशिश करें ज़्यादातर बैठ के करें, और खासकर जब आप हैवी वर्कआउट करें शोल्डर का तो बैठ के ही करें। 5 सेट्स कर रहे हैं 12 रेपिटेशन। मैं थोड़े रेपिटेशन दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और वीडियो बोर करती है बड़ी वीडियो। ग्रिप बिल्कुल टाइट, डंबल यहां ऊपर बिल्कुल सीधे नहीं करने आता आपको, ये रखने हैं बस। 1, कईयों को देखा होगा बिल्कुल सीधे कर देते, 1 ये नहीं करने, यहां रखना है। 12 रेपिटेशन करने हैं 5 सेट्स। सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके शोल्डर वर्कआउट की लैटरल रेजेस, 5 सेट्स करेंगे 15 रेपिटेशन। क्योंकि कईयों को देखा है भाई डेल्ट पॉइंट अच्छा नहीं हो रहा, थोड़ा बड़ा करना है, टी शर्ट पहनते हैं दिखता नहीं है, साइज कैसे बड़ा करें? तो सिंपल सा फंडा है, आपको लैटरल रेजेस अच्छे करने होंगे। जो आप टाका मारते हैं हिल के करते हैं, उसे बिल्कुल पोजिशन से करें और थोड़ा वेट लिफ्ट करें, क्योंकि आपने देखा होगा कई सालों से वही 5 के डंबल या 8 के डंबल चले होंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा वेट लिफ्ट करना है। डेल्टोइड है कंधा, जिसे बोलते हैं कंधा, कितना पावरफुल होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, वेट बढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा लें। पहले दूसरे सेट में सेम रखें, तीसरे में बढ़ा दें, चौथे में बढ़ा दें, पांचवें में कोशिश करें बढ़े तो ठीक है, नहीं तो पहले से तो बढ़ा के चलाएं। 15 रेपिटेशन। और जल्दी जल्दी ना करें, कईयों को देखा होगा आपने शाम का टाइम बर्बाद हो रहा है, जिम की फीस जा रही है, मसल को महसूस करना है आपको। 2 पोजीशन है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। मैं बताता हूं, पहली तीनों चीज इक्वल, शोल्डर, आपकी एल्बो और आपकी रिस्ट, तीनों इक्वल हो ऊपर। दूसरी, आपकी रिस्ट थोड़ी ऊपर हो, आपकी एल्बो ऊपर हो, शोल्डर नीचे हो, ऐसे। अब दिखेगी ये, तो ये करना है, लेकिन जर्क बिल्कुल ना करें, जर्क सिर्फ टाइम बर्बाद करता है आपका। तेरे भाई ने बहुत ले लिया, कोई फायदा नहीं है, सिर्फ टाइम की बर्बादी है, सिर्फ टाइम की बर्बादी। तो मसल को महसूस करके एक्सरसाइज करें, माइंड और मसल दोनों को मिला के, क्योंकि जो आप बोलते हैं आपका दिमाग सुनता है और वही कमांड करता है बॉडी को कि हाथ उठा तो हाथ उठता है, किसी के कहने से नहीं, दिमाग बोलता है। तो ये थर्ड एक्सरसाइज। अब थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके एडनेरल डेल्टॉइड के लिए, फ्रंट रेजेस डंबल से करेंगे, फ्रंट रेजेस 5 सेट्स और 15 रेपिटेशन करेंगे, और मसल को प्लीज महसूस करें। जब तक आप फील नहीं करेंगे जिम में जाके हैवी वेट उठा के, आप तभी बन पाएंगे जब आप उस मसल को महसूस करेंगे। आप किसी भी फिटनेस मॉडल, किसी भी अच्छे बॉडी बिल्डर को वर्कआउट करते देख लेना, वो मसल को स्क्वीज करता है, क्योंकि जिम में हम मसल तोड़ने जाते हैं, घर जाके हम खाके उन्हें जोड़ते हैं। तो जब तक मसल टूटेगी नहीं तो जुड़ेगी कहां से। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके फ्रंट रेजेस एंटीरियर डेल्टॉइड के लिए, 5 सेट्स 15 रेपिटेशन। दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं।
एक्सरसाइज कर रहे हैं हम आपके शोल्डर के वर्कआउट की, स्ट्रक्स 5 सेट्स करेंगे 15 रेपिटेशन और छोटी बारबेल पे करेंगे जिगजैग बारबेल जिसे हम प्रीचर करते हैं, क्योंकि ग्रिप काफी अच्छी हो जाती है। आप करके देखना, ट्राई करना, बहुत अच्छा मजा आएगा, क्योंकि बड़ी रोड पे हम ढंग से कर नहीं पाते हैं, इस पे ग्रिप भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। जिगजैग इसलिए कहा था क्योंकि ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है, जिगजैग रोड है, बारबेल आपकी जिगजैग छोटी, इस पे वेट लिफ्ट जितना आपको मर्जी जितना आप लगा सकते हैं। 5 सेट है तो वेट धीरे धीरे बढ़ेगा, 15 रेपिटेशन कर रहे हैं और ग्रिप ये रखनी है। ऊपर जाके मसल को स्क्वीज करना है, ऊपर जाके स्क्वीज। अब फिफ्थ एक्सरसाइज करना है आपके शोल्डर के वर्कआउट की। जैसे ही आपका स्ट्रक्स का फिफ्थ सेट कंप्लीट होगा, आपको तुरंत पुशअप्स का एक सेट करना है अप टू फेलियर। किसी का 30 हो सकता है, किसी का 40, किसी का 50, मिनिमम 30 रैप्स तो करनी है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो एक्टिवेट मसल है आपकी शोल्डर्स, आपके डेल्टॉइड, फ्रंट, आपका लेटरल और मिड, तीनों हेड से वो एक्टिवेट हो चुका है। तो तुरंत पुशअप्स कर रहे हैं एक सेट अप टू फेलियर, जैसे ही फिफ्थ सेट कंप्लीट होगा एक सेट अप टू फेलियर पुशअप्स। अप टू फेलियर करना है आपको, फिफ्थ सेट कंप्लीट हो गया आपका, पुशअप्स कंप्लीट हो गया, अप टू फेलियर। अब आपको एक काम करना है कि पंघाल ब्लॉग्स को जाके सब्सक्राइब करना है, आपका दूसरा चैनल है बाय गाइस लवली। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, यकीनन इस वीडियो को फॉलो करें और फिट हो जाएं, अच्छी डाइट लें, ऐसे ही प्यार करते रहें पंघाल फिटनेस को। और आपकी नेक्स्ट वीडियो थोड़ी जल्दी आएगी, मैं थोड़ा टूर पे था और बाइक राइड करते हुए थोड़ी सी बाइक स्लिप हो गई, तो चोट लगी थी, इसलिए वीडियो आपकी लेट हो गई। तो ऐसी अब जल्दी से जल्दी वीडियो आएंगी, क्योंकि आप लोग बहुत वेट कर रहे थे सीरीज का। तो बस ऐसे ही प्यार करते रहें और 1 मिलियन को ठोक दे जल्दी से।